ताजा खबरें। गोंदिया में वर्षों से व्यर्थ बह रहा है पानी, किसानों की सिंचाई का लाभ मिले व बारिश के पानी का संवर्धन हो सके, इसके लिए सालेकसा तहसील के मानाकुही तालाब का निर्माण किया गया। कैनल का गेट भी लगाया गया, किंतु एक और कैनल अधूरा है। वही दूसरी ओर गेट से गत 3 वर्षों से निरंतर लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाए है। जानकारी के अनुसार मानाकुही प्राकृतिक तालाब के पानी का लाभ किसानों के खेतों में सिंचाई को लेकर कैनल व गेट कुछ वर्षों पहले लगाए गए 856.30 TMC क्षमता वाले इस तालाब का मुख्य गेट गत 3 वर्षों से नादुरुस्त है। क्षेत्रवासियों ने की गेट की दुरुस्ती की मांग। पर्यटकों के लिए 16 को खुलेंगे नागजीरा के द्वार। गोंदिया प्रति वर्ष 1 अक्टूबर से नवेगांव नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प की जंगल सफारी शुरू होनी थी। नागजीरा के गेट खोले नहीं गए हैं। अब 16 अक्टूबर से सभी 10 गेट पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय वन विभाग ने लिया है। सहायक वन संरक्षक US सावंत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष बारिश जल्दी बंद नहीं होने से नागजीरा की सड़कें बदहाल हैं, जिससे पर्यटकों की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए देरी से सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। गोंदिया में लाखों की शराब जब्त कराई गई है। चुनाव के मैदान में अवैध व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए गए पुलिस के एक गतिश दल ने स्थानीय पुराने बस स्टैंड के पास BC गैरेज के सामने दबिश दी है, जहां 4 बड़े नीले रंग के ड्रम पाए गए हैं, जिसमें शराब भरकर नागपुर भेजी जा रही थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS Hindi लिखे और आप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।